तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सर लोग? होपफुली सर लोग ठीक हो गए। और आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के एपिसोड नंबर 1084 के बारे में। तो बिना वक्त गवाए बढ़ेंगे हम सीधा इसकी वीडियो में। आई नो ये एपिसोड काफी ज्यादा लेट है, घर में थोड़ी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, इस वजह से ये एपिसोड थोड़ा लेट आ रहा है, लेकिन अब से वीडियो जो है रेगुलर आया करेंगी। तो चलिए अब सीधे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो एपिसोड की शुरुआत में ही देखने को मिलता है, जितने बच्चे होते हैं खाते पीते हैं, सारी चीजें एंजॉय कर रहे होते हैं। लूपी जो होता है वो खड़ा होता है, चीजों के बारे में सोच रहा होता है किस तरह ये लोग जो थे वो यहाँ आए थे, और उसके बाद इन लोगों ने काइडो से फाइट की है, और किस तरह से जो था वो तबाही मचा रहा था जगह जगह पे और सारी चीजों के बारे में। और ये कोरी का वही वाला एरिया देख रहा होता है जहाँ पे वो ग्रेव हुआ करती थी, और वो ग्रेव अब नहीं है क्योंकि काइडो ने उस एरिया को बुरी तरह से ब्लास्ट कर दिया था। लूफी नजर होती है आसमान की ओर, देखता है वो ओडिन की ओर और मुस्कुराता है, और देखने को मिलता है जितने भी अकाजा 9 के मेंबर्स होते हैं वो सारे सारे आते हैं। साथ ही साथ होती है नामी, चॉपर और बाकी सारे लोग। वो सारे लोग जो होते हैं वो आते हैं वो थैंक यू बोलने के लिए लूफी को हर चीज के लिए। और लूफी जो होता है वो यहाँ खड़ा होता है ओडिन से मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए। ये देख के वो सब लोग मुस्कुराते हैं, और अगेन ये लोग दोबारा से थैंक यू बोल रहे होते हैं लूफी और बाकी सारे लोगों को जिन्होंने इस फाइट में मदद की है। ये लोग बात कर रहे होते हैं किस तरह से इन लोगों ने प्रॉमिस किया है यहाँ के लोगों से मून उसके शोगन बनने के बाद इस कंट्री को उसी तरह का बना देंगे जैसे पहले हुआ करती थी। और फिर याद करते हैं आशुरा और इज़ो को जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उसके बाद ये पुरानी चीज को थोड़ा बहुत याद करते हैं किस तरह से ओडिन जो था वो ओडिन बनाया करता था, वो काफी ज्यादा टेस्टी हुआ करता था, ये सारे लोग इंजॉय करते थे और खुश रहा करते थे साथ में। उसके बाद ये पूछते हैं अबाउट लूफी के यहाँ से जाने के बारे में, लूफी जो होता है वो श्योर होता है, और अगेन ये सारे लोग अपने सर झुकाते हैं और थैंक यू बोलते हैं। लूफी कहता है कि हम सारे लोग दोस्त हैं तो चिंता मत करो इस चीज के बारे में। कुत्ते में देखने को मिलती है जो कैरेट होती है वो आ जाती है, इसको गले लगा लेती है, काफी ज्यादा खुश होती है, वो सैड भी होती है कि ये लोग जा रहे हैं, और वो नामी को पकड़ के रोने लगती है। लेकिन वो कहती है कि वो अब जो जाएगी और वहाँ पे वो अपने जितनी भी जगह है वहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करेगी और सारी चीजें करेगी अपने बाकी साथियों के साथ। जो नर्स और डॉक्टर होते हैं वो थैंक यू बोल रहे होते हैं चॉपर को, उसने बहुत सारी चीजें सिखाई है मेडिसिन के बारे में। ब्रूक जो होता है वो चीजों के बारे में याद करने लगता है, कह रहा होता है कि मुझे याद है कैरेट किस तरह से तू छुप के सनी के अंदर आई थी इनके शिप के अंदर, और पूछने लगता है किस तरह का एक्सपीरियंस था उसका यहाँ और वो पूरा वर्ल्ड घूमने में। तो वो बताती है कि उसने बहुत ज्यादा एंजॉय किया था हर चीज को, चीजें डरावनी भी थी लेकिन मजेदार भी उतनी ही थी, और इन लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है और ये उसके लिए ट्रेजर की तरह है उसके पूरे लाइफ के लिए। और उसके बाद वो सबको गले लगाती है, सबको थैंक यू बोल रही होती है और खुश रहती है। दूसरी ओर देखने को मिलता है जो जोरो है, जोरो जो होता है दूसरी साइड गया होता है, और वो पहुंचता है यासुई और पेड्रो की जो ग्रेव होती है वहाँ पे दोनों की ग्रेव्स के ऊपर वो दारू चढ़ाता है, वहाँ बैठता है उनके साथ साथ एक एक बोतल जो दारू होती है वो शेयर करता है और खुद भी पीता है उनके साथ बैठ के। कुत्ते में देखने को मिलती है वो जो बच्ची होती है वो वहाँ आ जाती है और वो अभी भी हंस रही होती है, वो भी फ्लावर लेके आई होती है, फ्लावर जो वो चढ़ा रही होती है, वो जो बच्ची होती है वो हेल्प करती है इसको दारू पीने में। और उतने में देखने को मिलता है यूरी जो होती है वो भी आ जाती है, वो अभी सैड हो रखी होती है अबाउट सारी चीजें, लेकिन वो इनके आत्मिक शांति के लिए प्रे करती है, थोड़ी बहुत बातें करते हैं, जोरो जो होता है वो मुस्कुराता है। और फाइनली टाइम आ चुका होता है कि अब ये जो योरी है वो अब बाय करेगी जोरो को और साथ ही साथ उसकी तलवार को, तलवार जो कि ओडिन की हुआ करती थी। जोरो जो होता है कहता है कि हाँ इस तलवार से मैंने काइडो के साथ फाइट की थी, बिल्कुल ये तलवार अब मेरे साथ ही जाएगी, और उसको याद आने लगता है वो मूवमेंट जब इसी तलवार की मदद से उसने काटा था काइडो को, काइडो जो था उसको जोरो के अंदर ओडिन दिखाई दे रहा था इस तलवार। जोरो जो होता है वो कहता है कि एनमा जो है वो कट कर सकती है इवन बॉटम ऑफ द हेल के, और वो काफी ज्यादा इंप्रेस होता है ओडिन से इस चीज को लेके क्योंकि उसने मास्टर किया था इस तलवार को। ह्योरी जो होती है वो कहती है लेकिन लैंड ऑफ वानो को तुम बचाने में कामयाब हुए हो, इसलिए तुमने भी बहुत स्किलफुली एनमा को मास्टर किया है, और जो एनमा है उसने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है तुम्हारी पार्टनरशिप को। जोरो जो होता है वो कहता है कि मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनूंगा ताकि मैं इस तलवार के लायक बन सकूं। उधर फ्रेंकी जो होता है वो बात कर रहा होता है वो अपने बॉस से, और वो उससे पूछ रहा होता है सारी चीजें ठीक है कि नहीं, वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। लेकिन जो बॉस होता है जब बाय बोल के जा रहा होता है उसकी आंखों में होते हैं आंसू, और फ्रेंकी भी जो होता है वो रो रहा होता है। उसको जो होता है वो कपड़े लेने जाता है, वो कपड़े खरीद रहा होता है और चीजों के बारे में सोच रहा होता है, और वो कुछ जो कपड़े होते हैं वो वहां से ले लेता है, और वो कुछ चीजें बताता है उस इंसान को, तो वो जो चाहता है जिस तरह के कपड़े वो उसको खरीद के देता है। उधर वो जो लड़की होती है वो चूहे वाली वो जो होती है वो अपना गाना बजाना कर रही होती है, उतने में सांगुरो स्पेशल सोवा की आवाज आती है यानी कि सांजी की, तो वो लेने वो जाती है, और वहां पे इन दोनों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन हो रही होती है। वो जुए के साथ खेल रहा होता है, लड़की जो होती है काफी ज्यादा शर्मा रही होती है, लेकिन कुत्ते में वहाँ आ जाती है रॉबिन, और ये वहाँ से रॉबिन के पीछे भागने लगता है और उसको बाय बोल के यहाँ से निकल पड़ते हैं लोग। उत्सुरु जो होती है वो रेड बीन सूप जो होता है वो सबको खिलाती पिलाती है, और वो जो होता है वो ऑफर करती है लूफी और ओतामा को, और दोनों ये चीजें खाते हैं और इंजॉय कर रहे होते हैं। ओतामा जो होती है वो पहले प्रे करती है और थैंक यू बोलती है फूड के लिए, और वो राइस केक भी इंजॉय करती है उसमें का, और वो भी उसको काफी ज्यादा खुशी दे रहा होता है। और उसके बाद वो थोड़ा सा सैड
जाती है और कह रही होती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है, पहले ईस जो था वो चला गया, अब जो लूफी है वो भी यहाँ से जाने वाला है, जिससे भी वो प्यार करती है वो सारे लोग इस जगह को छोड़ के चले जाते हैं। लूफी जो होता है वो कहता है कि चिंता मत कर, तूने अपनी प्रीसियस राइस थी, वो जो प्रीसियस चावल था वो मुझे दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे सारी चीजें चेंज हुई है और मैं उस चीज को कभी भी भूलूंगा नहीं। जिसके बाद वो मुस्कुराती है और कह रही होती है कि मैं भी कभी तुम लोगों को नहीं भूलने वाली और वो स्ट्रांग बनेगी। और उसके बाद लूफी जो होता है वहां से मूव करने लगता है और आगे बढ़ने लगता है और लूफी में उसको दिख रहा होता है एस, और फिर उसके बाद इसके आंखों में होते हैं आंसू और ये रोने लगती है और थैंक यू बोलती है हर चीज के लिए, प्रॉमिस करती है कि वो स्ट्रांगर बनेगी हर कीमत पे। बोर्ड के पास देखने को मिलता है जो चॉपर होता है वो कुछ मेडिसिन बना के देता है बेपो को और कह रहा होता है कि मैं गारंटी भी नहीं दे सकता कि ये काम करेंगी, लेकिन तू उसको ले जरूर सकता है, और वो उसको थैंक यू बोलता है। अब सेल करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। उधर लूफी जो होता है वो खड़ा होता है, नामी कहती है क्या वो श्योर है कि वो इनामोन और मोमो से बिना मिले यहाँ से चला जाएगा। उसके बाद लूफी जो होता है वो मुस्कुराता है और कहता है कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो जरूर आएंगे। और उसके बाद ये लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले होते हैं अपनी जर्नी और आगे बढ़ जाते हैं, और इसी के साथ खत्म हो जाता है ये एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू में देखने को मिलेगा कि ये लोग अपनी जर्नी के लिए दोबारा से निकल चलते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है वो बढ़ रही होती है, जो वेव्स होती है वो बह रही होती है, मोमो जो होता है डेस्परेटली इन लोगों की ओर पड़ता है, यामातो उसके सर पे होता है, किनामोन भी उसमें बैठा होता है और ये तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं सारी चीजों को तोड़ते हुए, और ये मिलने चाहते हैं लूफी से, और इसी के साथ खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। बात कीजिए कैसा था ये एपिसोड, तो ये एपिसोड था काफी ज्यादा एंटरटेनिंग और बढ़िया था, और नेक्स्ट एपिसोड जो होगा वो और ज्यादा देखने लाइक होगा। तो इस वीडियो में इतने रखेंगे, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।